one more time, I want to mention that 10 lakh rupees का जो हमारा target हमने ICS को donate करने के लिए लिया था, वो हम लोगों ने within a मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने जो हित में हो सके आगे वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा और क्लीन और एक हेल्दी वर्ल्ड छोड़ के जाइए, क्योंकि इन बच्चों की कोई गलती थी नहीं, इनकी एल्डर जनरेशन ने हमने सबने जैसे जैसा वर्ल्ड बना दिया है, जिसकी वजह से इस तरह की जो बीमारियां आ रही हैं इतने छोटे छोटे बच्चों को। एटलीस्ट अपने जो आपके हाथ में है कुछ ऐसा करिए कि आपका वर्ल्ड एक अच्छा साफ हेल्दी वर्ल्ड बन सके, ताकि आगे वाली जनरेशन सफ़र ना करे, नहीं तो ऐसे काउंटलेस केसेस होने लग गए हैं। I always get emotional when I get to know things like this about kids, क्योंकि होता क्या है कि so many of them are born with it, कईयों को हो जाता है, अभी तो ये दुनिया उन्होंने ढंग से देखी नहीं है, तो इनको ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो इनकी जिसमें गलती नहीं होती है, वो क्योंकि उनका environment इतना ख़राब है जो जिसके अंदर इन लोगों का कोई contribution था नहीं, वो इनकी जो elder generation है उनका contribution है ये सब करने के अंदर, तो वो एक तरह का गिल्ट और एक तरीके का मतलब बहुत बुरा लगता है देख के कि शायद हम सब की वजह से आज ये है। बिग एफएम, जैसे मैं बिग एफएम की बात करूँ, उन्होंने बहुत मतलब काबिले तारीफ कदम उठाया उनके शक्ति के साथ, तो बिग एफएम जैसे किसी बच्चे ने कॉल किया उन्हें एहसास हुआ और वो सब आ गए, और भी बहुत ऐसे बच्चे हैं, जब मैं गवर्नमेंट मशीनरी की बात करता हूँ या स्टेट या सेंट्रल मशीनरी की बात करता हूँ, वहाँ इस तरह के पर्याप्त अरेंजमेंट नहीं है जहाँ पे इस तरह की बीमारी, खास करके फाइनेंशियल जब हम बात करते हैं, समथिंग अबाउट दैट। देखिए हर एक कंट्री के ना शॉर्टकमिंग्स और पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, अब मैं या तो शॉर्टकमिंग को लेके बैठ जाऊँ, उस पर मैं उंगली करती रहूँ और मतलब उस पर क्रिप करती रहूँ, या फिर मेरे जो हाथ में कुछ अच्छा करने को है मैं क्या कर रही हूँ उसके लिए, मैं कुछ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूट करूँ, मैं ना एक आधे ग्लास को आधा भरा हुआ देखना पसंद करती हूँ, मैं इस बार शॉर्टकमिंग्स हर कंट्री के अंदर होती है, मैं क्या कर रही हूँ उसके उसको मेकअप करने के लिए, मेरे को उस पर ध्यान देना है, मैं उंगली उठाना उठा के मैं थक चुकी हूँ, मुझे करना नहीं है। बट इवन सरकार भी जब हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हमें पता लगा आयुष्मान स्कीम जो आई, जिसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इंडियन कैंसर सोसाइटी इतने सालों से काम कर रही है, इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। ICS से हमें पता लगा कि पिछले 10-12 सालों से, जब से 20 साल इनफैक्ट या शायद ज़्यादा, जब से लोग फंक्शन कर रहे हैं, लोगों को अब जाके ICS के बारे में पता चलना शुरू हो, तो ऐसे बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशन हैं, ICS एक है, कैटो एक है जिस प्लेटफॉर्म ने हमें हेल्प किया है, बट इसके अलावा हज़ारों हज़ार और प्लेटफॉर्म्स हैं और सोसाइटीज़ हैं जिनके बारे में अवेयरनेस फैलाने की बात। फॉर इंस्टेंस आयुष्मान स्कीम, शायद हम लोग को पता भी नहीं होगा आयुष्मान स्कीम क्या है, बट आयुष्मान इज़ टारगेटिंग दोज पीपल जो बिलो 40 लाइन है, तो उसके बारे में जितना हम लोग बात करेंगे वहीं से वो डिस्कशन और डायलॉग शुरू होगा। तापसी, अब जिस चीज़ से जुड़ती हैं, दिल से जुड़ती है, ऑनेस्टी के साथ जुड़ती हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है बॉलीवुड एक्टर्स किसी सोशल इनिशिएटिव के साथ जुड़ते हैं तो उस इवेंट तक नजर आते हैं, उसके बाद उस एक्चुअली मैं ना इवेंट पे कम नज़र आती हूँ, और मैं जो चीज़ें करती भी हूँ, मेरे को कई बार लोग बोलते हैं कि अच्छा अभी इसके बारे में बात करते हैं जो आपने किया, मतलब मेरा एक अजीब सी लाइन थी, कई लोग उसको गलत इंटरप्रेट भी करते हैं कि अगर मैं अपनी चैरिटी के बारे में बात करना शुरू कर दूँ तो देन आई एम द चैरिटी, सो मैं वो किया नहीं है मैंने आज तक, कॉजेस वो सपोर्ट करती हूँ जिनके लिए मैं कुछ ऑलरेडी कर रही हूँ, और वो आके मैं बोलूँ कि मैं ये कर रही हूँ तो तुम करो ये नहीं होता है, मैं आके बोलूँगी आप करिए, आपका दिल आपके दिल को ये बात छूती है तो करिए, जो लोग मेरी बात सुनते हैं मेरी वैल्यू है उनकी लाइफ में कुछ, तो शायद वो मेरी बात सुनेंगे, उससे मेरा मैं क्या कर रही हूँ पीछे कैमरे के इफेक्ट नहीं होता।
साक्षी, अभी जैसे आपने बताया अवेयरनेस की बात, काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस की बात हो रही है अब पानी को लेकर, अभी बहुत सारे शहर हैं पानी की लेवल बहुत कम हो चुका है, तो किस तरीके से आप बताएंगे लोगों को कि एजुकेशन से हम लोग मुहिम भी चला रहे हैं कि किस तरीके से पानी बचाया जाए और सरकार भी वाटर कंजर्वेशन को लेकर ध्यान दे रही है, आप किस तरह से देखते हैं? मैं ये बहुत ना डरावनी चीज़ है, मैं इनफैक्ट घर के अंदर मैं और मेरी बहन रोज हमारा एक दो बाई तो डिस्कशन हो जाता है इस बारे में कि ये पानी जो है वो जाने वाला आएगा, वो ऐसा नहीं कि मैं हमारी अगली पीढ़ी में जाएगा या हमारे सामने ही चला जाएगा। तो वो अब छोटी छोटी चीज़ें हैं ना घर के अंदर, चाहे वो ब्रश करते समय पानी होता है, चाहे वो प्लांट्स को पौधा मतलब पानी देते हैं जब, तो बच जाता है थोड़ा सा उसको ऐसे ही फेंक देते हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं घर के अंदर। जो सब्जियां साफ करने तक का जो पानी होता है वो भी यूज़ करना चालू कर दिया है, क्योंकि एक सडन झटका लगा है देख के सुन के कि शायद हमारे सामने सामने ही सब ख़त्म हो जाएगा। और वो जो हम कई साइंस फिक्शन तरीके की मूवीज़ में देखते हैं ना कि आगे कुछ सालों के बाद ऐसा टाइम होगा जब हवा और पानी सिर्फ अमीरों के पास रह जाएंगे एंड ऑल दैट, वो अब वो हार्श रियलिटी होने वाली है, ऐसा डर लग रहा है देख के। तो अपनी तरफ से तो मतलब हमने अपने घर के अंदर जो भी कर सकते हैं या मेरी वजह से जो चीज़ें चेंज हो सकती हैं वो करनी शुरू करनी है। आप सिर्फ इतना कीजिए, सब जो लोग इस बात को लेके अवेयर हैं और कुछ करना चाहते हैं, आप अपने घर के अंदर चेंजेस लाइए, अपनी लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस लाइए, एक एक करके वो बूंद बूंद करके ना वो सागर भर जाएगा। So, तापसी इनिशिएटिव के साथ साथ आपकी फिल्म पे भी सभी की नजरें हैं, सांड की आंख, तो बहुत जबरदस्त रिस्पांस है, बहुत बढ़िया। थैंक यू। वो इतना बोलूंगी, मेरे करियर का सबसे बड़ा चैलेंजिंग रोल है ये, मैं हमेशा से बोलती आई हूँ, इससे बड़ा चैलेंज तो शायद वो भी नहीं था जब मैंने ये सोचा कि चलो एक्टिंग करके देखते हैं तो ये बहुत चैलेंजिंग चीज़ कर ली है मैंने, बट रिग्रेट नहीं है, इनफैक्ट एक्साइटेड हूँ, एंक्शियस हूँ। टीज़र का रिस्पांस देखने के बाद और भी एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ चुका है मेरे और भूमि के बीच में। सो हम अब लग रहा है दिवाली जल्दी आ जाए। हाँ, मैंने उसको बोला, उसने रिप्लाई भी किया, उसके बाद उसने मेरा भूमि का दोनों का नाम लिया। तापसी, एक एक्टर की क्या फील होती है जब कोई दूसरा इंडस्ट्री से उसके साथ खड़ा होता है उसकी बात रखने के लिए, क्या क्या इमोशन होते हैं? हाँ, एक देन यू फील स्ट्रॉन्गर, मतलब ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा तो मैं गिर जाऊंगी, बट हाँ एक साथ होता तो लगता है कि चलो ठीक है, किसी ने एक्नॉलेज किया, वो ऑब्वियसली एक कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है। जी आप बोलिए, उनको मुझे करने थे, मुझे बहुत पसंद है। अनुराग जी ने इवन अनुभव सिन्हा सर सेट यू डूइंग, यस आई एम डूइंग अनुराग आल्सो, अनुभव सर आल्सो, अनुभव सर के साथ पहले करूंगी, उसके बाद नवंबर दिसंबर में कश्यप के साथ। I just love your bonding, you know, जिस तरह से ये आपको address कर रहे थे, तूने देखा, तूने वो इस तरह से और किन लोगों से especially the Bollywood part of it, किन लोगों से इस तरह की interaction है तापसी का? है, दिखी जाता लोगों को Twitter पे मेरी interaction actually इन लोगों से। आई यू सही वरुण धवन? वरुण के साथ भी है ऐसी interaction, इनफैक्ट मेरे डायरेक्टर्स के साथ भी ऐसी इंटरेक्शन जरूर है। सबको शायद मैं तू करके नहीं बोलूंगी, बट बातें इस तरह की मैं उनसे बोल सकती हूँ, जैसे कि सुजीत दा हो गए, जैसे कि शुजॉय, अनुभव सर, अनुराग, यूल ऑलवेज सी मी पुलिंग देयर लेग और देम पुलिंग माय लेग ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म, और वो रियल लाइफ में तो और भी ज़्यादा एक दूसरे को हम अग्रेसिवली बुली करते हैं, बट दैट्स द फन, दैट्स द वे वी आर, क्योंकि मेरी बॉन्डिंग एट पर्सनल लेवल मेरे सब मोस्ट ऑफ मेरे डायरेक्टर्स के साथ और को एक्टर्स का बहुत अच्छी है। अच्छा, ये सेंस ऑफ ह्यूमर कहाँ से आता है? वो जैसे हम शोले देखते हैं ना कि हाँ हाँ तातिया तुसे के पोते हो तुम, वैसे आपने कहा कि वाय वाय वाय, मैं क्यों नहीं, ये कहाँ से आता है? नहीं, मैं अभिलाष से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। ये मेरे उन दोस्तों में है जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना जबरदस्त है कि मैं इसको हर बार ही बोलती हूँ तू और कुछ करना, तू और कुछ कर। सो आई थिंक ऐसे दोस्त होते हैं ना, मेरे काफी दोस्त ऐसे हैं इनफैक्ट जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा, और मैं पसंद करती हूँ लोगों को जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। और सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होने का मतलब ये नहीं है आप दूसरों पे मजाक सारे टाइम उड़ाते हो, अपने ऊपर जो मजाक होता है वो आप कितने अच्छे तरीके से ले लेते हो, वो भी सेंस ऑफ ह्यूमर का हिस्सा होता है। और आई थिंक मेरे दोस्त काफी अच्छे हैं उसमें, तो इसलिए मैं भी काफी अच्छा सी हूं। अभिलाष है इस कॉज को लेकर आगे चलकर? जी देखिए, जैसे इस तरीके की चीजें हो, मेरे वॉइस या मेरी एक बात बोलने से अगर ये बात स्प्रेड हो सके कि एक जो कहते हैं ना विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं अपने उस स्टेटस का अगर इस तरीके से फ़ायदा उठा सकूँ कि मेरी बात
मैं कुछ बोलूंगी तो लोग सुनेंगे, तो वो डेफिनेटली उठाती रहूंगी, पहले भी उठाया जब भी मौका मिला. अपने पर्सनल लेवल पे मैं जो करती हूँ, मैं जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, मैं उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करती हूँ. बट हाँ, ये चीज़ें जैसे मैंने आपको कहा, सबकी फैमिली में है, मेरी भी एक्सटेंडेड फैमिली का हिस्सा है ये बीमारी, तो ऑब्वियसली मेरी पर्सनल लेवल पर भी काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन. मैं तो खुद ही, आप बोल रहे हो कि मैं बोल रही हूँ कि आप सनशाइन, आप बोल रहे हो. चलो ठीक है, यूनिवर्सली. ओ वेरी नाइस, देखा बच्चों की आंखों में कितनी चमक. अरे मेरी आंखों की चमक देखी आपने, वो थोड़ी देर और रहते चल रो पड़ती वहाँ पे. तो वो बहुत एम्बैरेसिंग लगता है कि भाई मैं बच्चों के सामने रोगी क्योंकि इतनी बड़ी होकर रो रही है. ऑफकोर्स आई थिंक बहुत, पता नहीं, ऐसे बहुत कम ही लोग होंगे जो शायद बच्चों को देख के नहीं फील करते होंगे कुछ भी उनके साथ हो रहा हो पूरा. तो पता नहीं ऐसे कौन से लोग होंगे, पर बहुत रेयर ही होंगे मुझे लगता है. मतलब आप भी बिल्कुल, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब 10-15 साल कम हो गए आपके. अच्छा, ऐसा हो गया कहीं? क्या बात है, क्या इसी बात. मैंने 60 साल का रोल कर लिया, तुम मुझे 15 साल पीछे कर लो. रियल का बोलो. अच्छा चलो ठीक है, मतलब मैं अभी भी कॉलेज का रोल करूंगी तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, है ना? पक्का ना? 15 का. चलो ओके, मतलब मैं स्कूल का भी रोल कर सकती हूँ. चलो ठीक है, थैंक यू. आपको पता है, आपको अपने मतलब आपको वैसे मान लिया, आपने आते ही अंतहीन प्रतिभा है. ओहो, अब मैं ना यहाँ पे गड्ढा खोदती ना उसके नीचे समा जाऊंगी. अभी तुम मुझे बहुत एम्बैरेस कर रहे हो. प्लीज थैंक यू. कई लोग पूछ रहे थे, हाँ जी, आप तो शायद मतलब ये सब कहावतें लोगों की सुनती होंगी, 100 सुनार की एक लोहार की, तो आप क्या है? मैं तो ना, मैं दोनों में से नहीं हूँ यार. मैं एक्टर हूँ. मेरा जो आंसर है मेरी पिक्चर में दिखेगा. वो मैं बहुत बोल दिया यार, इससे ज्यादा तो मैं टाइम देने में विश्वास ही नहीं करती इस चीज को. बहुत काम है यार लाइफ में, बहुत छोटी लाइफ है. सारे इम्पोर्टेंट काम है लाइफ में मेरा, वो उस पर कॉन्सेंट्रेट करना मैं प्रेफर करूँगी. अरे हाँ यार, वो मिल जाए तो मतलब बड़ा मजा आएगा क्रिकेट खेल के. आप लोग बात कीजिए जरा, मिलना चाहिए मुझे.